सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका बायोग्राफी सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है, हमारी संख्या काफी कम है, हम भयानक हमले की जद में हैं, लेकिन हमने एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ी है और हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। ये शब्द हैं भारत के पहले परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा के, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने से पहले ये मैसेज अपने हेडक्वार्टर को भेजा था। और आज के एपिसोड में हम आपको भारत के इसी परमवीर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो निश्चित रूप से आपको इस जीवन में इस देश के लिए कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। इकतीस जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दतगांव में एक डोगरा ब्राह्मण परिवार में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे जहां उनके खुद पिताजी मिलिट्री ऑफिसर थे और उनके कई सारे सिबलिंग्स भी मिलिट्री में सर्विस दे रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि जो देशभक्ति की भावना थी वो उन्हें विरासत में मिली थी। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी स्कूलिंग उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित एक बेहद ही फेमस शेरवुड कॉलेज से कंप्लीट की और उसके बाद वे देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में इनरोल हुए। और जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जिसके बारे में उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें सिखाया था, और वो हमेशा अपनी पॉकेट में श्रीमद् भगवद गीता भी कैरी करते थे। यहाँ तक कि उनके अंतिम समय में उनके शव की पहचान उनके जेब में पड़ी इसी श्रीमद् भगवद गीता और उनके पिस्टल के खोल से हुई थी। और दिसंबर 1941 में उन्होंने अपने माता पिता को एक लेटर लिखा था जिसकी कुछ लाइनें इस प्रकार है। मैं अपने सामने आए कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, यहाँ मौत का क्षणिक डर जरूर है, लेकिन जब मैं गीता में भगवान कृष्ण के वचन को याद करता हूँ तो वो डर मिट जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अमर है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि शरीर रहे या नष्ट हो जाए। पिताजी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मर गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक बहादुर सिपाही की मौत मरूंगा, और हाँ, मरते समय मुझे प्राण देने का कोई भी दुख नहीं होगा, और ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर बात करें इनके शानदार मिलिट्री करियर की, तो मेजर सोमनाथ शर्मा रॉयल मिलिट्री कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 22 फरवरी 1942 यानी कि 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन हुए थे, जो कि बाद में जाकर इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन में कन्वर्ट हुई। और यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में अराकन कैंपेन के दौरान वे बर्मा में जापानीज के खिलाफ भी लड़े थे, और उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा ने कर्नल KS थमैया के कमांड में सर्व किया था, जो कि बाद में जाकर 1957 से 1961 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे थे। और अराकन कैंपेन के दौरान उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को मेंशन इन डिस्पैचेस से भी सम्मानित किया गया था। और फिर जब आजादी के बाद 22 अक्टूबर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध छिड़ा, जिसे फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है, तो फिर इंडियन आर्मी की तरफ से भी पाकिस्तानी आर्मी के हमले का जवाब देने के लिए कश्मीर में ट्रूप्स के बैच को डिप्लॉय किया गया। और इसी तैनाती के तहत 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डी कंपनी मेजर सोमनाथ शर्मा के कमांड के अंडर श्रीनगर के लिए एयरलिफ्ट की गई। और बता दें कि उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा का जो लेफ्ट हैंड था उस पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, क्योंकि कुछ समय पहले हॉकी खेलने के दौरान उन्हें चोटें लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने इंसिस्ट किया कि वे कॉम्बैट में अपनी कंपनी के साथ ही रहेंगे। और फिर 3 नवंबर को पेट्रोलिंग ड्यूटीज के लिए 3 कंपनीज के बैच को बदगांव एरिया में डिप्लॉय किया गया, और उस समय उनका ऑब्जेक्टिव था श्रीनगर की तरफ मूव करने वाले घुसपैठियों को चेक करना जो नॉर्थ की तरफ से श्रीनगर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस समय दुश्मन की कोई भी गतिविधि ना दिख पाने के कारण 3 में से 2 कंपनियां दिन के 2 बजे तक वापस श्रीनगर चले गई थी। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी को ऑर्डर थे कि वे करीब 3 बजे तक वहीं पर ही अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखें। लेकिन तभी 2:35 पर उनकी डी कंपनी पर एक लोकल रेजिडेंट हाउस से फायर आया, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा के पास काउंटर फायर करने के लिए ऑर्डर नहीं थे, और ऐसा इसलिए था ताकि कोई इनोसेंट सिविलियंस ना मारे जाएं। लेकिन तभी अचानक से करीब 700 के आसपास घुसपैठिए गुलमर्ग की तरफ से बदगांव की तरफ अप्रोच किए, और फिर क्या था, देखते देखते डी कंपनी को उन घुसपैठियों ने तीनों साइड से घेर लिया और उन पर हैवी फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें वे मोर्टार से भी फायर कर रहे थे। और इसी फायरिंग में डी कंपनी को काफी भारी कैजुअल्टीज भी हुई। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा को इस बात का एहसास था कि अगर उन्होंने अपनी इस पोजीशन को छोड़ दिया तो फिर श्रीनगर और एयरपोर्ट खतरे में आ जाएगा। तो फिर मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी डी कंपनी के साथ उसी पोजीशन से उन घुसपैठियों का मुकाबला करने का फैसला लिया, और उन्होंने अपनी पूरी कंपनी से बहादुरी से लड़ने के लिए आग्रह किया। और बता दें कि मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी घुसपैठियों की संख्या की तुलना में काफी कम थी,
लेकिन इसके बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी डी कंपनी उन घुसपैठियों का मुकाबला करती रही, जबकि उनकी तरफ से बहुत ही हैवी फायर आ रहा था। और इसी बीच मेजर सोमनाथ शर्मा ने यह भी फैसला लिया कि जो लाइट मशीन गन को ऑपरेट कर रहा है उससे वे खुद एम्यूनिशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और संख्या में बेहद कम होने के बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी डी कंपनी के साथ उन घुसपैठियों को उसी पोजीशन पर रोक के रखा। और वैसे भी उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा का जो बायां हाथ था वो पहले से ही चोटिल था और उस पर प्लास्टर भी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद गोलियां भरकर अपने सैनिकों को दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान जब मेजर सोमनाथ शर्मा अपने जवान की बंदूक में गोली भर रहे थे तभी उन पर दुश्मन का एक मोर्टार आकर गिरा और मोर्टार के उसी विस्फोट में उनका जो शरीर था वो बुरी तरीके से शत विशत हो चुका था। और जिसके बाद उनके पॉकेट में रखी श्रीमद् भगवद गीता और उनके पिस्टल के खोल से उनके शव की पहचान हुई थी। और इस मुठभेड़ में मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके एक जूनियर कमीशन ऑफिसर के साथ करीब 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। और संख्या में बेहद कम होने के बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी ने करीब 200 घुसपैठिए, जिनमें हमारे निकम्मे पड़ोसी के सैनिक भी शामिल थे, उनको ढेर कर दिया था और उन्हें उस पोजीशन से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और क्या आप जानते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा जिस समय वीरगति को प्राप्त हुए तब उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र थी महज 24 साल। और फिर बाद में मेजर सोमनाथ शर्मा को युद्ध में उनके रण कौशल के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और इत्तेफाक की बात यह है कि परमवीर चक्र को जिन्होंने डिजाइन किया था यानी कि सावित्री खनोलकर, वो मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई की मदर इन लॉ थी। और अब आप ये देखिए कि इस परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला सबसे पहला योद्धा भी उनकी ही फैमिली का था। और आप ये भी कह सकते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी डी कंपनी उनमें से है जिन्होंने हमारे निकम्मे पड़ोसियों को यह सबसे पहले एहसास दिलाया कि भारत के वीर योद्धाओं के शौर्य के आगे उनकी क्या हैसियत है। और वो चाहे कितनी ही कोशिशें कर ले, वो भारत के वीर जवानों के रहते इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और अगर इसको आप थोड़ा देसी लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी डी कंपनी ने निकम्मे पड़ोसी को यह एहसास दिलाया था कि बाप बाप होता है। पर वो होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी सीधी होती नहीं है, तो बस निकम्मे पड़ोसियों का भी वही हाल है। इसके बावजूद भी उन्होंने 3 और युद्ध लड़े और उन तीनों युद्धों में बहुत बुरी तरीके से हारे भी। और अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे कि मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीर हर दिन हमारे देश की रक्षा में सीमा पर अपने प्राणों की आहुति देते हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन वीरों को याद करके इनके बलिदान का मान रखें, क्योंकि इन वीर योद्धाओं का जो हमारे ऊपर ऋण है उस ऋण को हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। हम बस इस ऋण के लिए उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।